दोस्तों, आप सभी ने जी टीवी का पॉपुलर शो पुनर्विवाह एक नई उम्मीद तो जरूर देखा ही होगा, जहां शो में आप सभी ने सरिता और राज के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था। वही शो में राज की मां कमला नाइक के किरदार को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन दोस्तों, आज इस शो को ऑफ एयर हुए काफी ज्यादा समय बीत गया है। ऐसे में आज फैन जानना चाहते हैं कि शो पुनर्विवाह एक नई उम्मीद में नजर आई राज की माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है, साथ ही उनके हस्बैंड और बच्चे कौन है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि शो पुनर्विवाह एक नई उम्मीद में राज की मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम संगीता पनवर है। संगीता पनवर का जन्म 29 जून 1969 में मुरादाबाद में हुआ था। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2012 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुए शो कैरी रिश्ता खट्टा मीठा से की थी, जिसमें इन्हें विमला के किरदार में देखा गया था। इस शो में इनके अभिनय को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि बेहद ही कम समय में ये टीवी की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाया, जिसके बाद इन्हें पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद, हेलो प्रतिभा, बड़ो बहू जैसे कई पॉपुलर शो में काम करते हुए देखा गया। इन सभी शो से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। वहीं लास्ट टाइम इन्हें 2019 में मुस्कान टीवी सीरीज़ में देखा गया। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आज संगीता 51 साल की हो गई है, साथ ही में देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। इनके हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इनके बेटे का नाम देव पनवर है, जिनकी शादी हो चुकी है। साथ ही आज इनका एक बेहद प्यारा बेटा भी है, जिनका नाम प्रत्यक्ष पनवर है। प्रत्यक्ष पनवर एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो कई शो में अभिनय करते हुए नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको शो पुनर्विवाह एक नई उम्मीद की राज की माँ रियल लाइफ में कैसी लगी और उनकी फैमिली कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।